काउंटरपॉइंट की Q3 2020 स्मार्टफोन्स शिपमेंट रिसर्च के मुताबिक रियलमी को 50 मिलियन स्मार्टफोन्स की फरोख्त करने वाला पहला ब्रांड बनने का एजाज हासिल हो गया। इस कंपनी ने आलमी हरीफों को महज 9 माह के कम वक्त में पीछे छोड़ दिया। रियलमी में इस वक्त 14.8 मिलियन डॉलर की तरसीलात की गई, जबकि दुनिया का तेज तरीन Q3 रिकॉर्ड भी रियलमी ने हासिल कर लिया। काउंटरपॉइंट के मुताबिक तरसील के हुजम में रियलमी में सबसे ज्यादा OEM की नमो की शरह बड़े आलमी कंपेटिटर से भी बहुत ज्यादा है। काउंटरपॉइंट के रिसर्च के तजियाकार अभिलाष कुमार ने कहा कि रियलमी अपनी बड़ी मंडियों जिसमें हिंदुस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, फिलिपाइन और कुछ दीगर जनूबी मशरकी एशियन मालिक शामिल हैं, इनमें पहले 5 या पहले 3 टॉप ब्रांड्स में आ चुका है। उन्होंने कहा कि रियलमी सस्ती और प्रीमियम क्वालिटी मसनूआत सार्फीन को पहुंचाने के साथ साथ डिजिटल शॉपिंग और फरोख्त की दीगर खिदमात पेश करने के हवाले से भी बहुत अहम है। वबाई मर्ज के बाद ये सबसे ज़्यादा लचकदार ब्रांड है जो फौरन उभर कर सामने आया है। रियलमी के CEO स्काइली ने कहा कि हकीकत में हम अपने इस फलसफे पर काम कर रहे हैं जिसमें जिद्दत, डिज़ाइन और अपनी मसनूआत की सबसे बेहतरीन क्वालिटी अपने सार्फीन तक पहुँचाना हमारा सबसे बड़ा हदफ है। नौजवानों के लिए रियलमी सबसे अच्छा मौका है और हम इस पर मुसलसल काम कर रहे हैं, जिसके लिए आलमी सतह के काबिल जिक्र डिज़ाइनर को रियलमी के साथ जोड़ लिया गया है, जो कि आने वाले वक्त में बेहतरीन स्मार्टफोन्स बनाकर मार्केट में ले आएंगे।